Let's start with question number 7. So it says, what are the various energy transformations that occur when you are riding a bicycle? So जब हम ride करते हैं किसी भी bicycle को, तो उसमें हमारी अपनी strength लगती है. और कौन सी strength लगती है हमारी? It is actually the muscular force. So muscular energy जैसे जब हम लगाते हैं, तभी हमारी bicycle आगे जाती है. और हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का एक एनर्जी से दूसरी फॉर्म में, तो मस्कुलर एनर्जी हमेशा मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी है और मूवमेंट भी है, इसलिए हम इस एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी आप कब बोल सकते हो या किसी केस में यूज कर सकते हो? व्हेन देयर इज मूवमेंट एंड व्हेन देयर इज मूवमेंट मतलब मोशन, मोशन होना चाहिए प्लस डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल किया होना चाहिए. सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7.